स्वदेशी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। इस डॉक्यूमेंट्री में दो आदिवासियों और एक हाथी के रिश्ते के बारे में दिखाया है। 40 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया है कार्तिकी गोंजाल्वेस ने। उन्हें इस फिल्म को बनाने में करीब 5 साल का वक्त लगा है। जानते हैं कार्तिकी गोंजाल्वेस के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि उनकी माँ अमेरिकी है। माँ प्रिंसकिला टेम्पले गोंजाल्वेस को घूमना पसंद है। प्रिंसकिला ने ईस्ट यूरोपियन हिस्ट्री में PhD की हुई है। उनकी रुचि नेचुरल हिस्ट्री और कल्चर फोटोग्राफी में थी। कार्तिकी के पिता टिमोथी अलोयसियस गोंजाल्वेस IIT मंडी के फाउंडिंग डायरेक्टर थे। उनकी दादी नेचुरल रिजर्व में रहती थी और वहाँ इसके बारे में पढ़ाती भी थी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक महज 18 महीने की उम्र में कार्तिकी गोंजाल्वेस ने जंगलों में आना जाना शुरू कर दिया था। उन्हें अपनी माँ और दादी की वजह से जानवरों के व्यवहार के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं यानी क्लास 11 तक उनके घर में TV नहीं था। बचपन में उन्होंने अपना काफी समय घुड़सवारी करते बिताया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शुरुआती शिक्षा सेंटा हिल्डा स्कूल ऑफ सेंट माइकल एकेडमी से हुई है। नीलगिरी लाइट एंड लाइफ एकेडमी से उन्होंने फोटोग्राफी में डिप्लोमा लिया और डॉक्टर GR दामोदरन कॉलेज ऑफ साइंस से PSC किया। कार्तिकी गोंजाल्वेस ऊटी की रहने वाली है। वो इंडियन नेचुरल हिस्ट्री पर फोटो जर्नलिज्म करती है, सोशल डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बनाती है। बता दें कि वो टूर गाइड के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। साल 2018 में उन्हें सरकार की तरफ से नीलगिरी में जनजातियों पर एक फिल्म बनाने का काम मिला था। उनका काम दो चीज़ों पर फोकस्ड रहता है, एक पर्यावरण और दूसरा नेचर और वाइल्ड लाइफ। अपने काम के जरिए वो लोगों में जंगली जानवरों के जीवन और उनकी विविधताओं के बारे में जागरूकता फैलाती हैं और बताती हैं कि आखिर क्यों उन्हें बचा कर रखना चाहिए। कार्तिकी को ज्यादातर वक्त जंगलों बीहड़ों में घूमते हुए फोटो कहानियों और वीडियो की तलाश में गुजरता है। वो एनिमल प्लानेट और डिस्कवरी चैनल के लिए कैमरामैन के तौर पर काम कर चुकी हैं। एक इंटरव्यू में कार्तिकी ने बताया था कि वो 9 से 5 वाली जॉब करने के लिए नहीं बनी है। कभी वो बेंगलुरु में टूरिस्ट को गाइड के तौर पर तंगलियों में घुमाती थी। उन्होंने बताया, मैं टूरिस्ट को कमनहल्ली की झोपड़पट्टी में ले जाती थी, साथ ही उन्हें धोबी घाट दिखाने भी ले जाती थी। जंगलों में फोटोग्राफी और वीडियो बनाने को लेकर कार्तिकी ने बताया, मैं जंगल में बहुत ही सादा जीवन जीती हूँ। मैं गांव वालों के साथ उनके झोपड़े में खाना खाती थी और शहरों में अच्छे से तैयार होकर अलग अलग देशों के लोगों से मिलती थी। इससे मुझे खुद को पहचानने में मदद मिलती थी। करीब 2 दशक पहले तक 2 या 2 से ज़्यादा काम करने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब लोग अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल रहे हैं। कार्तिकी आदिवासियों के साथ रहते हुए इशारों में बात करती थी। इस पर वो बताती हैं, बुशमैन कबीले के साथ इशारों में बात करने से अब मैं किसी भी जीव के साथ तालमेल बिठा सकती हूँ। कल्चरल टूर लोगों से जुड़ने का अच्छा तरीका है। मैं दुनिया भर से आए सैलानियों की मदद से अपने फोटोग्राफ्स को दुनिया तक पहुंचाती हूँ। कार्तिकी ने बताया कि वो बहुत कम पिक्चरें देखती हैं। उनका ज्यादातर वक्त उजाड़ जगहों पर बीतता है। हाल के दिनों में वो इंडो पाक बॉर्डर पर थी। वहां रहकर वो वहां के लोगों की जिंदगी कैमरे में कैद कर रही थी। उन्होंने बताया कि कक्षा 11वीं तक उनके हाथ घर में TV नहीं था, इसके चलते उनका वास्ता फिल्मों से ज्यादा नहीं हो पाया। बड़े होकर उन्होंने कुछ फिल्में देखी। उन्हें सी ऑफ शैडोज जैसी डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है। उन्होंने रजनीकांत, कमल हासन या शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखी। आपके लिए सारी जानकारी जुड़ाई थी हमारे साथी आर्यन ने। मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।